वहीं वेतन भुगतान से वंचित नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को निगम मुख्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान निगम का प्रवेश द्वार पूरी तरह से बाधित रहा। कार्य करने निगम मुख्यालय आए अधिकारी और कर्मचारी प्रवेश द्वार के बाहर ही खड़े नजर आए। नगर पालिक निगम भिलाई के सभी 5 जोन क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। इससे आक्रोशित कर्मचारियों ने शुक्रवार को निगम मुख्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी निगम के प्रवेश द्वार पर डटे रहे, जिसे नगर निगम मुख्यालय पहुँचे अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर खड़े होने को लेकर विवश होना पड़ा। कर्मचारियों ने प्रदर्शन के दौरान साथ लाए कचरे को भी आस पार फेंक कर अपना विरोध जताया। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि वेतन नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। वेतन के नाम पर निगम अधिकारियों द्वारा केवल आश्वासन ही दिया जाता रहा है। ये पिछला कई महीनों से ये ऐसा ठेकेदार को ठेका दिया सर जी, हम लोग को बी वेंकट रमन नाम है उनका, नगर निगम मिलाई की सफाई व्यवस्था का ठेका उनको पूरा दे दिया गया है। और पिछले कई महीनों से 6-7 महीनों से हम लोग पेमेंट के लाले पड़ रहे हैं। 10% 20% कर्जा करके मजदूर लोग अपना घर का राशन चला रहे हैं सर जी। इतना हालत खस्ता हाल हम लोग का है खराब कि शासन प्रशासन कोई हम लोग को ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। और जब हम लोग काम बंद करते हैं तो हम लोग को काम से निकालने का धमकी दिया जाता है सर। महीना हो गया भाई दिया, हम लोग का पेमेंट नहीं मिल रहा है और बोलता है ये आधिकाल वालों से फोन करके दो लाठी लगे कहते हैं खुद ही चले जाएंगे, मारोगे मारो जान तो नहीं निकलोगे ना। लेकिन एक बात है, ये बद्दुआ ना हमेशा उन लोग का लगे रहेगा। 3 महीना बोले से इतने 1000 रुपए ले रहे, 100 रुपए काट के दे रहा, उससे 2000 ऐसे करते करते बच्चे का फीस नहीं दिया हूँ मैं अभी तक, ना उसका ट्यूशन का फीस दिया हूँ। कौन देगा मेरे को, कोई देगा? पेमेंट होगा तो दूंगा ना भैया, पेमेंट ही नहीं करो तो क्या दे पाऊंगी मैं अभी। और नहीं जाएंगे चाहे लाठी चार्ज करो या मार डालो हम लोग, ठीक। तो हम लोग जब तक ठेका प्रथा बंद नहीं किया जाता भिलाई नगर निगम में, हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। हाँ, ठेका प्रथा के खिलाफ हम लोग 3 महीना हो गए सर जी, पेमेंट नहीं मिला था और दबाव ऊपर दबा रहे थे काम करो वो करो वो करो, पीएफ भी नहीं रहा है ढंग से सर। 5 महीना हो गए पीएफ भी क्या था पता नहीं, ना कुछ मिलता नहीं है, अभी तक नहीं मिलता है। मतलब 2007 से कहा था और पीएफ क्या था पता नहीं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए सर जी। हम लोग को पेमेंट डाल रहे हैं, हम लोग काम में चले जाएंगे, हम लोग दादागिरी करने नहीं आते हैं, अपने पेट हक मांगने आते हैं। यहाँ दादागिरी से पुलिस बुला लेते हैं, पुलिस हम लोग को क्या करेगा? अभी कितने दिन से क्या करना हम लोग को? अभी कितने महीने से पेमेंट नहीं मिला? 3 महीने हो गए पेमेंट नहीं दिया, कहाँ जाएंगे? गैस सिर आ गए, सब सिर आ गए, कहाँ से लाएंगे गैस? पैसा देगा तभी तो गैस लाएंगे। क्या मौजूदा नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्यालय में आप देख सकते हैं, यहाँ पे नगर निगम के सफाई कर्मचारी है वो जहाँ पे आज सवेरे से मौजूद है, क्योंकि इनका कह रहा है कि पिछले 3 महीनों से इन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा, जिसके पूर्व भी इनके द्वारा वेतन की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन हड़ताल की जाती रही है। लेकिन इन्हें नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे केवल मात्र आश्वासन ही वेतन के नाम पर मिलता आया, जिससे इन समस्त श्रमिकों के जो सभी जोन क्षेत्र में कार्यरत है सबके समक्ष रोजी रोटी की समस्या गहरा गई है। इनका राशन पानी बंद हो चुका है, तमाम तरह के तगादे मजदूरों से चर्चा करने के उपरांत यह हमें जानकारी मिली, तमाम तरह के इनके ऊपर कर्जदारी हो गई है, देनदारियाँ लेनदारियाँ तमाम तरह की बकाया है। लेकिन बावजूद भी इसके नगर निगम प्रशासन केवल आश्वासन देता है वेतन को लेकर। आज चूंकि शुक्रवार का दिन है, आज सवेरे से सभी मुख्यालय में एकत्र हुए वेतन को लेकर के, वेतन की मांग को लेकर के, और मुख्यालय के समीप ही नगर निगम के अधिकारी भी खड़े। अभी किसी तरह की चर्चा नहीं है, क्योंकि श्रमिकों का स्पष्ट रूप से कहना है यदि वेतन भुगतान नहीं किया जाता तो इनके द्वारा का काम बंद की जाएगी, क्योंकि इनके समक्ष अब घर परिवार को चलाने का तमाम तरह की जो जिम्मेदारियाँ वो आ चुकी है। इसलिए आज ये पूरी तरह से निश्चिंत होकर आए कि वेतन मिलने के उपरांत ही अब कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण विजय के साथ संजय दुबे।